गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मित्रा पर स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने सीजीएल मेंस 2019 की जो 15 नवंबर को इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए थे उनके बारे में डिस्कस किया। आज की वीडियो में अपन जो 16 नवंबर को पेपर हुआ था उसमें जो भी 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे करने हैं, ठीक है दोस्तों। कई बार क्या होता है अपन के ग्रामर के रूल बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन क्या ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देख के जिससे आपको पूरा मेथड समझ में आए कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज का वीडियो। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द चाइल्ड पुट ए लेडर ऑन द वॉल एंड क्लाइम्ड अप, ठीक है दोस्तों। इसको अपन को इंप्रूवमेंट करना है। इसके अंदर चार ऑप्शन दे रखे हैं, अबो द वॉल, ओवर ए वॉल, नो इम्प्रूवमेंट और अगेंस्ट द वॉल, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूँ इसमें क्या होता है, जब अपन लेडर को वॉल के अब पुट करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, ऑन द वॉल नहीं आता। ऑन द वॉल क्या हो गया, दीवार के ऊपर हो गई, लेकिन दीवार के ऊपर थोड़ा रखते हैं अपन तो उसको क्या साइड में लगाते हैं, तो क्या करते हैं, लेडर अगेंस्ट द वॉल होता है, ठीक है। लेडर अगेंस्ट द वॉल होता है, हमेशा यही आता है, ठीक है। इसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन है अगेंस्ट द वॉल, ठीक है दोस्तों। तो इसको कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप जब भी आगे नेक्स्ट एग्जाम दोगे, सीजीएल 20 का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीपीयू का, टायर 2019 और 20, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे कंसेप्ट ढंग से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज इजेंट इट, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, इसमें दो सेंटेंस दिए होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जब जो सेंटेंस क्या होता है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस है ना, इज नॉट आ गया तो आगे वाले में क्या है, नॉट नहीं आएगा, ठीक है। सी इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज, तो आगे क्या आएगा, नॉट नहीं आना चाहिए, नॉट नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन अपने कट गया, ठीक है दोस्तों। अब इज इट, ये भी कटिए, क्योंकि सी वो सी है तो यहाँ पे सी आना चाहिए, इस तो केयर मॉनलिंग थिंग्स के लिए आता है, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, अपने ए ऑप्शन बच गया, सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन से हो गया, ठीक है दोस्तों। इट सी आएगा, यहाँ पे नोट नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ठीक है। इसके अंदर अपन को इम्प्रूव करना है, तो आपको मैं बता दूँ कि कुछ क्या है फिक्स चीज़ें होती है, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, विथ ए व्यू टू, इन एडिशन टू, ठीक है, प्रोन टू, इनके बाद हमेशा क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो आप देख सकते हो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, किसका क्या आएगा, टू मीटिंग आएगा, ठीक है। टू मीटिंग कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हो टू बी मीटिंग, नहीं ये गलत है, ये आई हैव टू मीट गलत, कौन सा ऑप्शन है, टू मीटिंग एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सी हो गया, बी ऑप्शन सी हो गया, डायरेक्ट ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, वाई नॉट यू टू बी ए गुड बॉय एंड सिट डाउन, ठीक है। इसके अंदर इसको अपने को इम्प्रूव करना है, क्या बोला है, वाई नॉट यू टू बी ए गुड बॉय एंड सिट डाउन, इसको ऑप्शन देखो, ठीक है। अब आप देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, इंटरगेटिव दे रखे हैं, इंटरगेटिव दे रखे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाई के बाद आना चाहिए सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो ऐसा देखो ये ऑप्शन कट गया, इसके अंदर क्या बात दे रखी है, ठीक है, ये ऑप्शन भी कट गया, इसमें को दे नहीं रखी पहले, तो एक ही ऑप्शन बच गया, वाई डोंट यू हैव, ठीक है। इंटरगेटिव दे रखे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन इसने ऐसे दे रखे हैं, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से खेल के आंसर निकाल सकते हो। आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड वेन यू कॉल्ड, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर निकालने हैं। तो आप इससे पहले आप देखो जब भी कोई फीलिंग होती है ना, फीलिंग इमोशनल, फीलिंग सैड, ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है, आई वाज बीइंग डिप्रेस्ड नहीं होता, इस यहाँ पे क्या आएगा, फीलिंग डिप्रेस्ड आएगा, ठीक है, क्या आएगा, फीलिंग डिप्रेस्ड, क्योंकि बीइंग डिप्रेस्ड नहीं होता, फीलिंग डिप्रेस्ड होता है, फीलिंग सैड होता है, फीलिंग हैप्पी होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपने डी ऑप्शन हो जाएगा, गोइंग डिप्रेस्ड इसका कोई सेंस नहीं बैठता, बीइंग डिप्रेसिंग तो ये तो होता ही नहीं, आईएनजी दो आईएनजी फॉर्म एक साथ, ठीक है। अगला है, द प्लेस वॉज नॉट कोल्ड ओनली एंड ऑल्सो डैम, ठीक है। आप देख सकते हो ये क्या है, कंजक्शन पेयर से रिलेटेड है, क्या होता है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर होता है, किस किस का, नॉट ओनली और बट ऑल्सो पेयर होता है, ठीक है, बट ऑल्सो का पेयर होता है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो होता है। सी वॉज नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो डैम, ठीक है, तो क्या नॉट ओनली कोल्ड एंड बोथ, देखो ये गलत हो गया, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो होता है, नॉट ओनली कोल्ड ओनली कोल्ड नॉट ऑल्सो, ये सेंस नहीं बैठ रहा, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो, या कि ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, वी आर कोपिंग द प्रॉब्लम विथ द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी, ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है, वी आर कोपिंग द प्रॉब्लम्स विथ द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी, इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ देखो आप, हमेशा ही क्या है, कोपिंग विथ
समथिंग होता है, ठीक है, कोपिंग विथ समथिंग होता है। ये क्या है, प्रीपोजिशन बेस्ड एरर होती है, फिक्स प्रीपोजिशन बेस्ड एरर। तो इसमें क्या होता है, कोपिंग विथ समथिंग होता है। तो आप देख सकते हो कोपिंग विथ इसके अंदर क्या है, कोपिंग इन द प्रॉब्लम, इथ कट गया ऐसे, ठीक है, कोपिंग विथ होता है। अगर आपको ये पता है तो ही कर पाओगे। कोपिंग अप विथ नहीं होता, ठीक है, कई बार क्या होता है कोप अप विथ दिया होता है तो वहाँ पे अप नहीं आता, सिर्फ कोप विथ ही आता है। इस रिलेटेड भी एरर आ जाती है, कोपिंग विथ, कोपिंग द प्रॉब्लम सेट, ये भी कट गया, ठीक है, कोपिंग विद द प्रॉब्लम टू, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप बोलोगे इसके अंदर तो कोपिंग द प्रॉब्लम विथ यहाँ भी तेरे क्या, लेकिन विथ इसके पास में आना चाहिए, कोपिंग द प्रॉब्लम विद द, कोपिंग द, वी आर कोपिंग द, कोपिंग विथ द प्रॉब्लम्स टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज का सही प्रोनाउंसिएशन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल टाइम कम्स, ठीक है दोस्तों। तो जब भी करो ना, पहले वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से करने के ट्राई किया करो, जिससे क्या होगा कि आपको खुद को पता चलेगा कि मैं इसको कैसे सोल्व कर रहा था और रियल के अंदर उसका आंसर क्या है। तो इसने क्या बोला, आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल टाइम कम्स, ठीक है, ये बोल रहा है कि जब भी मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एक्सेप्ट कर लूँगा जब टाइम कम आएगा, जब टाइम आएगा, ठीक है दोस्तों। व्हाइल के, व्हाइल नहीं होता, वहाँ पर क्या आएगा, जब टाइम आएगा, व्हेन का सेंस आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, व्हेन द टाइम कम, ठीक है, व्हेन द टाइम कम्स। अगला ऑप्शन है, मैनी ए पर्सन आर अनेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर अपन को इंप्रूवमेंट करना है। मैनी ए पर्सन के बाद क्या आता है हमेशा, मैनी, यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कट गया ऑप्शन, ये कट गया, कौन सा बच गया अपना, डी ऑप्शन बच गया, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो गया। अगर यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे ए नहीं होता, सीधा होता मैनी ए पर्सन, ठीक है, मैनी पर्सन आर फिर से होता, फिर यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट होता, ठीक है। अगर ए नहीं होता, यहाँ पे ए दे रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इसके बाद, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई हैड टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये कंडीशनल बेस्ड एरर आ गया। इसके अंदर क्या होता है, जब आपको यहाँ पे क्या है, फर्स्ट परफेक्ट दिया होता है ना, पहले सेंटेंस में जो बाद वाला सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या आता है, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाद वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो आप देख सकते हो आई वुड हैव टोल्ड ये आ गया ना, और किसी में क्या है, विल आ रखा, तो विल आएगा नहीं बाद में, कौन सा ऑप्शन हो गया अपने, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए इसके अंदर, ए ऑप्शन हो जाए, इसके अंदर ये इम्प्रूव हो गया। अगला है, दिस स्टेन कैन बी रिमूव बाई लाइम जूस, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर अपन को इम्प्रूव करना है, तो आप देखो दिस सैन कैन बी रिमूव बाई, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, पैसिव के अंदर दे रखा है, पैसिव के अंदर दे रखा है, तो की थर्ड फॉर्म आएगी, दिस कैन बी रिमूव्ड आएगा, ठीक है, रिमूव्ड आएगा। तो रिमूव देख लो कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है, इन दो में दे रखा है, दो में दे रखा है ना, तो रिमूव थ्रू नहीं होता, रिमूव विथ होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा अपने, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, काट ही सकते हो, उसके बाद आपका क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाएगा और आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। आई बेट यू कांट बीट मी बाई चेस, ठीक है, इसको अपन को इम्प्रूव करना है। इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे अपन, इसमें क्या होता है, आई बेट यू कांट बीट मी बाई चेस, बाई चेस नहीं होता, क्या होता है, एट चेस होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा अपने, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई बेट यू कांट बेट मी एट चेस होता है, नहीं कि इन द चेस होता है, बहुत स्टूडेंट इसको ऑप्शन लगाएंगे, ये क्या गलत हो जाएगा, क्या होता है, एट चेस होता है। अगला क्वेश्चन है, आई एम नॉट यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है, इसको इम्प्रूव करना है। इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे अपन, जब भी क्या वर्ब की बी फॉर्म आ जाए, बी फॉर्म के बाद अगर यूज आ जाए ना, यूज टू आ जाए ना, इज एम वाज वर्ब के बाद, तो हमेशा उसके बाद कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे आई एम नॉट यूज आ गया ना, आई एम नॉट यूज टू ड्रिंकिंग आएगा, नया कि ड्रिंक आएगा, सीधा टू ड्रिंकिंग आएगा, आई एम नॉट यूज टू ड्रिंकिंग आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन इसके अंदर सी हो जाएगा, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एरर आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई सजेस्ट यू टू सी ए सॉलिस्टर, ठीक है, इसको अपन को इम्प्रूव करना है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, जब भी सजेस्ट आ जाए ना, सजेस्ट के बाद हमें सेंड दैट आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखो अभी, तो ऑप्शन में भी आप देख लेना, देख सकते हो आप, सजेस्ट के बाद क्या आता है, दैट आता है, सजेस्ट के बाद दैट एक ही ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा अपने, डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। आई सजेस्ट यू दैट, सॉरी, क्या आ जाएगा इसके अंदर, आई सजेस्ट दैट यू, तो क्या हो जाएगा इसमें, आई सजेस्ट दैट यू सी ए सॉलिस्टर, का सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस का सही फॉर्म ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही वाज बीइंग पुट बिहाइंड प्रिजन फॉर लाइफ, ठीक है, इसको अपन को क्या करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, सी हैज बीइंग पुट नहीं होता, सी हैज पुट इन होता है, सी हैज बीन पुट इन, बीन किसे क्या आएगा, यहाँ पे बीन आएगा, ठीक है, बीन आएगा। तो कौन से ऑप्शन में देख लो, 101 ऑप्शन तो अपने ऐसे कट के, ठीक है, अब दो ऑप्शन बच गए, बीन पुट इन और बीन पुट बिहाइंड, पुट बिहाइंड द बार होता है,
पुट बिहाइंड प्रिजन नहीं होता, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैज़ बीन पुट इन प्रिजन फॉर लाइफ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज कंसिडर्ड ए जीनियस बाई हिज स्कूल हेड मास्टर, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो पूरा सेंटेंस, ही वॉज कंसिडर्ड ए जीनियस बाई हिज स्कूल हेड मास्टर, इसको आपको इम्प्रूव करना है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ही वॉज कंसिडर्ड ए जीनियस बाई हिज स्कूल हेड मास्टर, आप देख सकते हो। पहले ऑप्शन देखो, वॉज टू बी कंसिडर्ड, नहीं, ठीक है, ये भी गलत हो गया। वॉज बींग कंसिडर्ड, नहीं, ये क्या पैसिव के अंदर दे रखा सेंटेंस, तो वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, सेंटेंस बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई विल नॉट गो टू द पार्टी लिस्ट यू विल प्रोमिस टू अकंपनी मी, ठीक है। आई विल नॉट गो टू द पार्टी लिस्ट यू विल प्रोमिस टू अकंपनी मी, इसके अंदर अपन को इम्प्रूव करना है। इसके अंदर क्या होता है, जब लिस्ट होता है लिस्ट के बाद शुड आता है, ठीक है। तो पहले एक बार देख लो शुड है कि नहीं, शुड नहीं है तो आप सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल नॉट गो, यहाँ पे क्या है, नॉट गो आ गया, ठीक है, अनलेस वाला नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो दूसरा सेंटेंस भी क्या है, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव सेंस देना चाहिए, ठीक है। ये आएगा नहीं, आएगा क्यों नहीं, क्योंकि इफ़ के बाद जो इफ़ के जिस सेंटेंस में होता है उसके बाद कभी विल शैल कैन कुड नहीं आता। जिस सेंटेंस में इफ बिफोर आफ्टर होता है उसके जस्ट बाद वाले सेंटेंस में कभी विल शैल कैन या कभी नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनलेस यू आना चाहिए, ठीक है। अंटिल के बाद भी ये नहीं होता, ये ऑप्शन ऐसे कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन कौन सा बच गया, अपना डी ऑप्शन बच गया, डायरेक्ट इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ए होल इज इन माई पॉकेट, ठीक है, इसको करना है आपको। तो आप इसको जस्ट रीडिंग से ही कर सकते हो, कैसे, देर इज ए होल इन माई पैकेट, ठीक है। जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो ना तो यहाँ पे क्या आता है, देर इज आता है, ठीक है, देर इज ए होल इन माई पैकेट, देर इज ए कार इन द पार्क, ठीक है, ऐसे देर इज ए होल, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी आर हैविंग टू ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स, ठीक है, इसको इंप्रूव करना है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी अपन क्या पजिशियो का कैसा आता है, जब भी पजिशियो का कैसा आता है वहाँ पे क्या हैव के साथ आई एन जी फॉर्म कभी नहीं आती, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल फॉर्म आएगी सिंगुलर, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, सी हैज आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा अपने, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, आई हैव बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन बिफोर सो आई नो वट टू एक्सपेक्ट, ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग विद द चिल्ड्रन बिफोर सो आई नो वट टू एक्सपेक्ट, ठीक है, इसको अपन को इम्प्रूव करना है। तो आप देख सकते हो मैंने क्या बच्चों के साथ पहले काम किया है, बिफोर आ गया ना काम किया, तो यहाँ पे क्या है परफेक्ट टेंस आएगा, टेंस रिलेटेड इंप्रूवमेंट है, तो परफेक्ट टेंस आएगा, यहाँ पे क्या परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखा है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल परफेक्ट आएगा, तो आई हैव वर्क आएगा, मैंने बच्चों के साथ पहले काम कर रखा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा अपने, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, यू हैव नॉट शोड एनी इंप्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग, ठीक है, इसको अपन को इम्प्रूव करना है। तो इसके अंदर क्या है, आप जो यहाँ पे देखोगे ना, शोड वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, शो की फॉर्म क्या होती है, शो, और सेकंड थर्ड फॉर्म को होती है शोन और शोन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, बाकी सब सही है। यू हैव नॉट शोन, शोन आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा अपने, आप देख सकते हो, हैज नॉट, ये हैज आएगा नहीं, क्योंकि ये वाई पल रूल है, यहाँ पे क्या है, हैव आना चाहिए, ऑप्शन कट गया, हैड नॉट शोड, शोड होता नहीं, यहाँ पे शोन एक बच गया, कौन सा ऑप्शन हो गया अपने, डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, देर वॉज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट इफ़ वी शैल मूव टू अनदर सिटी, ठीक है, इसको अपन को इंप्रूवमेंट करना है। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी सेंटेंस इफ़ आ जाए तो उसके बाद विल शैल ये वगैरह नहीं आते, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन देख सकते हो कट गया, सी ऑप्शन कट गया, ठीक है, ये अपने डी ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। आप देख सकते हो अब एक बच गया, जब भी आपको क्या किसी चीज़ को चूज करना होता है ना, तो यहाँ पे क्या वेदर आता है, तो देर वॉज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट वेदर वी शुड मूव टू अनदर सिटी, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से होगा अपने, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है अपना, ईच वन ऑफ देम वर वियरिंग ए फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जब भी ईच वन ऑफ, मोस्ट ऑफ आ जाए ना, इसके बाद क्या जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या प्लुरल फॉर्म में आते हैं, ठीक है, ईच ऑफ वर्कर्स, ईच ऑफ बॉयज, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे जो बाद में जो वर्ब आती है ना, ये वर्ब जो क्या होती है, हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है, क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो ईच ऑफ देम हैज, ईच ऑफ देम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म देख सकते हो कौन से ऑप्शन में, और आ गया था कट गया, यहाँ पे क्या हैव दे रखा है, प्लुरल दे रखा है, तो वो आ देखो सिंगुलर एक ही ऑप्शन में दे रखी है, बी ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपने, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, ही इज बेंट टू हार्म माई रेपुटेशन बाई फॉल्स एक्यूजेशन, ठीक है, इसको अपन को इम्प्रूव करना है। इसमें क्या हो जाएगा, ही इज बेंट ऑन होता है, ये क्या प्रीपोजिशन बेस्ड एरर है, यहाँ पे क्या आता है, ही इज बेंट ऑन समथिंग होता है, बेंट इन, बेंट ऑन समथिंग होता है, तो बेंट ऑन समथिंग आएगा, कौन से, बेंट टू, ये कट गया, ठीक है, बेंट टू हार्म हो गया, बेंट ऑन समथिंग होता है, बेंट ऑन प्लस आई एन जी फॉर्म, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, चिलीज हैव ए स्ट्रॉन्ग स्पाइसी
चिलीज हैव ए स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट दैट टिंगल्स योर टेस्ट बड्स, ठीक है, दैट टिंगल्स योर टेस्ट बड्स, इसको इम्प्रूव करना है। इसमें क्या होता है, चिलीज हैव ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्पाइसी टेस्ट यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है, इसको यहाँ पे क्या रिलेटिव प्रोनाउन आ गया दैट, तो यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आना चाहिए सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या टिंगल्स आना चाहिए। तो टिंगल्स कौन से ऑप्शन में देख सकते हो, विच टिंगल, अगर ये ऑप्शन गलत हो गया और बी भी गलत हो गया, हु इज टिंगलिंग, यू तो क्या है लिविंग थिंग्स क्या है, बल्कि टिंगल्स के नॉन लिविंग थिंग्स है। अब सी क्या हो गया, दैट टिंगल्स हो गया ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने, सी हो जाएगा। अगला है, आई वुड नॉट ड्रीम टू रेज द प्राइस, ठीक है, इसको अपन कंप्यूटर करना है। इसके अंदर क्या एक चीज़ देखो, जब भी क्या होता है ड्रीम आ जाए ना, ड्रीम ऑफ समथिंग होता है, क्या होता है, ड्रीम ऑफ समथिंग होता है, ड्रीम ऑफ प्लस आई एन जी फॉर्म, ड्रीम ऑफ समथिंग होता है, ठीक है। आई हैव ड्रीम ऑफ बी ए क्लास टॉपर इन द बी ए क्लास टॉपर, ठीक है, ऐसे आप बहुत सेंटेंस बना सकते हो। तो ड्रीम ऑफ के बाद क्या आई एन जी फॉर्म आता है, आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ रेजिंग, ठीक है, ऑफ आई एन जी फॉर्म आएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने, सी ऑप्शन हो जाएगा। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये जो लास्ट है मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, जो 18 नंबर किस में आए थे ना, वो इसके अंदर इंक्लूड हो गए, तो कल थोड़े कम क्वेश्चन करवाऊंगा। ही टर्न ए डीफ ईयर ऑन द एडवाइसेज ऑफ हिज पेरेंट, ठीक है, ये क्या है, इडियोमेटिक बेस्ड एरर है। यहाँ पे क्या आता है, टर्न ए डीफ ईयर टू होता है, क्या टर्न ए डीफ ईयर टू समवन या समथिंग समवन होता है, ठीक है, टर्न ए डीफ ईयर टू समवन होता है। यहाँ पे क्या आएगा, ही टर्न ए डीफ ईयर टू द एडवाइस, यहाँ पे एडवाइसेज नहीं आएगा, एडवाइस नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म के एडवाइस के साथ क्या अनकाउंटेबल लाइन है, तो इसके साथ कभी एस एस नहीं आता, तो ये ऑप्शन वैसे कट गया, ऑप्शन बच गए दो, ठीक है, ऑन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, टर्न ए डीफ ईयर टू समवन होता है, ठीक है, ही टर्न ए डीफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया, तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो कल अपन क्या करेंगे, जो 18 नवंबर के शिफ्ट में आए थे ना, जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आए थे ना वो भी डिस्कस करेंगे, और जो इसकी PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और इसके सोल्यूशन की PDF भी वहाँ मैं डाल दूँगा। तो कल मिलते हैं वापस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ 18 नवंबर के, तो तब तक के लिए पीस आउट।